कृष्ण, स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कोक बंधन खोलने के कुछ उपाय बताऊंगा। कोक जिनकी बंधी हुई होती है, कोक कई प्रकार से बंध जाती है और उसकी वजह से संतान प्राप्ति में परेशानी आती है। कोक बंधन का मतलब यह होता है कि शादी के कई साल हो जाते हैं लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो पाती, या जिनके मिसकैरेज हो जाता है, या जिनकी संतान नहीं जीती, या पुत्र प्राप्ति में अड़चनें आती हैं और पुत्र प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं तो गर्भ नहीं ठहरता। अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं जो कोक बंधन की वजह से आती हैं। हालांकि कारण कई हो सकते हैं लेकिन इनमें से एक कारण कोक बंधन भी होता है। अब कोक बंधन कई प्रकार के होते हैं। एक तो किसी का किया कराया होता है जब कोक बनती है। दूसरा, ग्रहण के द्वारा कोक बंध जाती है, जैसे पितृ दोष होता है, मातृण दोष होता है, कई प्रकार के दोष होते हैं जिनकी वजह से परेशानी आती है। या फिर किसी का किया कराया जो रास्ते में पड़ा होता है और किसी के लिए किसी ने किया हो और उसको आप लांग जाते हैं तब भी कोक बंधन में परेशानी आ जाती है। अनेकों प्रकार की परेशानी आती है। तो आज आपको मैं साधारण सा उपाय बता रहा हूं और ये आपको करना है नियम से। सबसे पहले आपके घर में सालग्राम जी हों या लड्डू गोपाल जी हों, उनको आपको स्नान कराना है। और ध्यान रखें, गंगा जल से स्नान नहीं कराना, भगवान को सादा जल से स्नान कराना है। स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करते जाना है। भगवान को स्नान कराना है। भगवान को स्नान कराने के बाद में उस जल का आपको पान करना, यानी वह जल आपको पीना है। नियमित रूप से आप यह नियम बना लें और उस जल में दो तुलसी के पत्ते भी डाल दें। भगवान को जब आप स्नान करा रहे हों तो उस जल में दो तुलसी के पत्ते भी डाल दें और उस जल को आप नियमित रूप से पीना प्रारंभ कर दें तो आपके अंदर जो भी मुसीबतें परेशानियां हैं, जो भी किया कराए का दोष है, वह स्वतः ही शांत हो जाएगा। एक उपाय। दूसरा, आपकी जितनी उम्र हो, मानो आपकी 32 साल की उम्र है या 25 साल की उम्र है, जितनी भी आपकी उम्र है उसी प्रकार से आपको चावल के दाने लेने, उतने ही चावल के दाने लेने जितनी आपकी उम्र है, और वह पीपल के पत्ते पर आपको रखने हैं। पीपल के पत्ते पर वह दाने आपको रखने हैं। उसके बाद में आपको उस पीपल के पत्ते पर श्री लिखना है, श्री लिखना है, और जितने दाने हैं आपको वह पीपल के पत्ते पर आप रखने ना है। उसके बाद में आपको माता दुर्गा के सामने जाना है और आपको माता से आराधना करनी है कि हे मातेश्वरी, मेरी जो कोक बंधी हुई है या जो संतान की वजह से परेशानी आ रही है उसको आप दूर करें। ऐसा कह करके वह माता के सामने आपको रख देने हैं और एक नारियल आपको माता को अर्पण कर देना है। वहीं बैठ करके आपको माता के मंत्रों का जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में वह दावत चावल के जो दाने हैं वह आप ले लें और हाथ में लेकर के, जब आपका जाप पूरा हो जाए तो वहाँ से आप खड़े हो जाएं, वह चावल के दाने लेकर के हाथ में लेकर के और 7 बार अपने सिर से उसार करके और पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। या आप 7 शुक्रवार या 11 शुक्रवार आप करें। ये दो उपाय बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली, और ये गुप्त रूप से आपको करने। चावल के दानों से क्या होता है कि जो आप अपने ऊपर से करेंगे तो जो आपके ऊपर असर होगा वह खत्म होगा। तो ये दो उपाय मैंने बताए, बाकी उपाय मैं आपको अगली वीडियो में जानकारी दूंगा। तो ये उपाय आप करें, इससे कोक बंधन की जो परेशानी है वह खुल जाती है और शीघ्र ही संतान के योग बन जाते हैं। तो आप ये उपाय जरूर करें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। जय श्री कृष्ण।